कर इसरो ने नहीं किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ सटीक रास्ते पर भेजकर इसरो ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी मात दे दी। सबसे पहले वो गलती देखिए जिसने 10 दिनों तक नासा को परेशान कर दिया। एक ऐसी मिस्टेक जिससे नासा का 46 दिन पुराना मिशन दांव पर लग गया। कुछ दिनों पहले नासा के कंट्रोल रूम का एक पुराने सैटेलाइट वायजर 2 से संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल नासा ने अपने सैटेलाइट को एक गलत कमांड भेजा जिसकी वजह से 21 जुलाई को सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस कमांड की वजह से वायजर 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 2 डिग्री दूर चला गया और इसने मिशन कंट्रोल से कमांड रिसीव करना बंद कर दिया था। यानी ये सैटेलाइट कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि नासा का ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहाँ है, किस हाल में है। 46 दिनों में वायजर 2 ने अलग अलग ग्रहों के बारे में काफी जानकारी दी है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने और सैटेलाइट को ढूंढने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। धरती से लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए पर ये सैटेलाइट इतनी दूर है कि वहाँ तक सिग्नल पहुँचने में ही 18 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय की मेहनत के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका बजट अरबों डॉलर का है। दूसरी तरफ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है जिसने अब तक सिर्फ 3 मून मिशन भेजे हैं और चंद्रयान 3 का हर चरण बिना किसी गलती के पूरा हो रहा है। हम यहाँ दोनों एजेंसी की तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन कम बजट के बावजूद इसरो का स्ट्राइक रेट शानदार है। इसरो का स्पेस में लेटेस्ट कारनामा है स्लिंगशॉट। इसमें किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अंतरिक्षयान को किसी खास रास्ते पर भेजा जाता है। इसरो ने इसे इस्तेमाल करके कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ भेज दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत जटिल है और अगर कैलकुलेशन में जरा सी चूक होती है तो चंद्रयान 3 का पूरा मिशन फेल हो जाता है। जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी है उसमें जो है आपने निकाल के किसी अन्य ट्रैजेक्टरी में अपने यान को डालना है तो वो क्षण जो है वो तय होते हैं। कितना स्ट्रांग बर्न होगा इंजन का वो भी तय होता है। अंतरिक्ष की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कुछ भी 50-50 नहीं होता। या तो मिशन 100% सही होता है या बर्बाद हो जाता है। कई बार एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों के मिशन को तबाह कर देती है पर भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त बिना किसी गलती के आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसरो की टीम इस मिशन पर काम कर रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट CBTR। चौदह जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 को लेकर देशवासियों में काफी उत्सुकता है। इसके अपडेट को लेकर लोगों ने लगातार अपनी नजर बना रखी है। चंद्रयान को लेकर इसरो भी समय समय पर बड़ी जानकारी देता रहता है लेकिन इसी इंतजार के बीच इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने अब पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी और अब ये चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसरो ने हाल ही में इस बात के अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी। इसरो ने ट्वीट करके बताया, चंद्रयान 3 मिशन ने लॉन्चिंग के 19 दिनों के भीतर पृथ्वी के चारों तरफ अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 अब चांद की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने ये भी बताया कि इसका अगला पड़ाव चंद्रमा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 5 अगस्त 2023 को लूना ऑर्बिट इंसर्जन की योजना है। चंद्रयान अब धरती से काफी दूर निकल गया है। आधी रात करीब 12:15 पर चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा से चांद की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इस समय चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर होकर चांद की कक्षा में जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसरो ने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि धरती की कक्षा से चांद की कक्षा में जाने का पाथ किस तरह है। जैसे ही चंद्रयान मून की कक्षा में पहुंचेगा, उसकी परिक्रमा करता हुआ करीब बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया पे लोग इसरो को बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें, चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने अब ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया है। इसरो ने इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए चांद की ओर मोड़ा है।
फ्रांस लूनो इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। वैज्ञानिकों ने बीती रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक कई प्रयोग करेंगे, जबकि प्रोपुलेशन मॉडल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का पता लगाएगा। अब चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट पे पहुंचेगा। इसरो ने बताया था कि चंद्रयान की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का प्रोसेस क्या है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा से मिशन लॉन्च हुआ। LVN-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में रहा। इंजन फायरिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार अंडाकार कक्षा बढ़ाई। 1 अगस्त को कक्षा का ट्रांसफर हुआ और स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ओर बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। वहीं 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपुलेशन मॉडल से अलग होगा। वहीं लैंडर कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। वहीं 23 अगस्त को शाम करीबन 5:30 इसकी लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैम के बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। इसरो के एक्स साइंटिस्ट का कहना है कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद का सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपनी हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 से चंद्रमा को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले से ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांट लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसे करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2023 में चांग-E-3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल।